बस इतना ही कहना, उद्धव महाराज वही संदेश देते हैं, कहने के मेरा भाव है कि जो प्रेमी भक्त है ना, वो व्यवहार नहीं करते, वो परिणाम की चिंता नहीं करते, वो अपेक्षा नहीं रखते। जैसे कोई गुलाब का फूल हो जो तोड़ देता है गुलाब के फूल को, गुलाब का फूल उसे भी सुगंध देता है। ये गोपियों का भाव है और गोपियों का प्रेम है। सतपंथ की परंपरा में भी एक संत भाबाराम महाराज करके चरित्र बनता है। भाव सर्वस्व है, भाव ही भगवान को चाहिए और भाव के ही भगवान भूखे हैं। जैसे भाबाराम जी महाराज की मुलाकात हो गई सदगुरु इमाम साहब जी महाराज जी से और कहा कि मैंने तो भगवान महादेव के दर्शन करने हैं, तो उनको साधना बताई और 12 बरस का तप बताया कि तपश्चर्या करिए। जब 12 बरस के बाद जब सदगुरुदेव मिलने आए थे, उनको जागृत किया, मुलाकात की और दिनचर्या पूछते हैं, आप क्या आरोग्य क्या थे, आप प्रसाद में क्या ग्रहण कर रहे थे, तब भाबाराम जी महाराज कहते हैं, ये नीम के पेड़ नीचे मैं साधना कर रहा था तो नीम के पत्ते तोड़कर मैंने 12 बरस तक ग्रहण किए हैं। सदगुरुदेव ने जैसे ही ये बात सुनी तो जो बाल थे वो बाल खींचे, तकलीफ होने लगी भाबाराम महाराज को, पूछने लगे तकलीफ हुई, बोले हाँ, बोले अगर आपको तकलीफ होती है तो क्या इस हरे पेड़ को तकलीफ नहीं होती होगी जो आप इसके पत्ते तोड़ रहे हो। एक बाजू आप इस पेड़ के पत्ते तोड़ोगे, पेड़ का नुकसान करोगे, कैसी साधना आप कर सकते हो, कैसी फलश्रुति मिलेगी, कैसा फल मिलेगा। अरे भाव में तो पूर्ण निर्दोष होना जरूरी है, भाव में तो निष्कपट होना जरूरी है। हम किसी को वेदना देकर, किसी को तकलीफ देकर हम साधना अनुष्ठान भक्ति पूजा नहीं कर सकते। साधना का नाम ही परोपकार है। पापाय परपीडनम, ये पर पीड़ा दूसरों को तकलीफ करना पाप है। आप तो तकलीफ दे रहे हो, पाप एक बाजू करते हो, दूसरे बाजू कामना करते हो कृपा मिल जाए, नहीं हो सकता। बोले क्या करें, बोले सूखे हुए जो पत्ते नीचे गिरते हैं उन पत्तों को उठाकर फिर आप ग्रहण करो। पुनः 12 वर्षों तक भाबाराम जी महाराज फिर जो सूखे पत्ते नीचे पड़ते थे उनको ग्रहण करते हैं और पुनः गुरुदेव की आज्ञा पर 12 वर्षों तक तप करते हैं। भाव इतना शुद्ध हो, भाव इतना निर्मल हो, भाव इतना सहज हो और सरल हो, नहीं तो मुंह में राम ऐसे बात बन जाती है। इसीलिए हम सहज बने, हम सरल बने, एक गोप्य भाव जो गोपियों का भाव है, जो राधा महारानी का भाव है, बस उसी भाव को अंतकरण में धारण करने की कोशिश करें। कथा बहुत विस्तृत है, मैं ऐसे ही बोलता रहूं और पूरा महीना वर्ष और मैं पूरे जीवन बोलता रहूं तो राधा महारानी और गोपियों का भाव ये दास प्रकट नहीं कर सकता। इसीलिए आज की कथा को यह मैं विश्राम दे रहा हूँ। मैं जगत गुरु जी से विनती करूँगा, जिनका परम सानिध्य हम सबको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है इस प्रयागराज में माँ गंगा की गोद में, जिनके आशीर्वाद और जिनके कृपा छत्र में ये शिविर का आयोजन हो रहा है,
और जिनके आशीर्वाद से ये हम कर पा रहे हैं, हम लाभ ले पा रहे हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धे परम आदरणीय हमारे जगद्गुरु जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि इस समय हमें आशीर्वाद दे। मैं मेरी ओर से आपको भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जो जहाँ से सभी संत भगवान, सारी माताएं बहनें, पूज्य दिव्या यहाँ उपस्थित है, पूज्य वडील संत महात्मा, मेरी ओर से बहुत धन्यवाद करता हुआ आज बहुत सारी उपस्थिति भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, और अगले हिस्से में लगभग फैजपुर ही यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो जहाँ जहाँ से आप सभी लोग पधारे हो, सभी जगहों से, तो यही से मैं आपका धन्यवाद करता हुआ। जगत गुरु जी हमें आशीर्वाद देंगे, फिर बाद में यहाँ रास लीला एक 15 से 20 मिनट तक यहाँ रास लीला का आनंद हम सबको लेना है। और आज रास लीला में तो आज हमारे विदेश की जो बहनें हैं वो भी जुड़ी है, और गोपियों के स्वरूप में आज उनके दर्शन भी हम सबको यहाँ पर होने हैं। ये कुंभ की महिमा है, संतों के सानिध्य की महिमा है, ये भारत भूमि की महिमा है, जो यहाँ आता है यही का बन जाता है, ये हमारी महिमा है। तो थोड़ा रासलीला का भी हम आनंद करेंगे। उससे पहले पूर्व जगत गुरु जी को मैं प्रार्थना करूँगा कि हम सबको आशीर्वाद दे और कृतकृत्य करें। Hari Sri Sita Nath Samarambha Sri Ramanandari Madhyamam अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा रामानंद सम्राट प्रादुर्भूत महीतले रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य राम नाम वरानने आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्री रामं भूय भूय नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी प्रमानंदं कृष्णवंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंदरूपं विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशा
Shri Krishnaya Vayam Namaha. Hari Yo. Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahaviriyam Karavavahi. Tejasvinaya Vadhirtamastu. Ma Vidvasavahi. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Akhil Koti Brahmanda Nayak Jagtani Anta Jagta Dhara Ananda Kanda Sachidanand Paramananda Khandananda Karan Karuna Varnade Bhagavan Shri Ram Raghunandan मारुति नंदन के चरणों में बारंबार कोटिशः वंदन करते हुए पुनः सलीला भगवती भागीरथी माँ गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर स्थित तीर्थराज प्रयाग वेणी माधव अक्षयवट हमारे द्वादश माधवों की और ऐसी पावन परंपरा अक्षयवट की पावन छत्र छाया के अंदर ये तीर्थराज प्रयाग का परम पावन महाकुंभ का अवसर और इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से गोपी गीत की सुंदर चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं व्यासपीठ पर विराजमान हमारे महामंडलेश्वर स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज के द्वारा मंच पर उपस्थित नक्त्राणा कच्छे पधारे निष्कलंकी धाम के महंत श्री जयराम दास जी महाराज हमारे चित्रकूट धाम के श्री महंत रामकृष्ण दास जी महाराज और उड़ीसा प्रांत हमारे अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष और तमाम अपने संतों और भक्तों के साथ में इस कुंभ में एक दिव्यता प्रदान कर रहे हैं ऐसे महामंडलेश्वर श्री स्वामी शंकरानंद गिरिजी महाराज उपस्थित देव स्वरूप पुरुषो भगवती वे शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति विदेवी हैं जब द्रवही दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए ये भगवान की कथा ये सत्संग कब प्राप्त होता है जब ठाकुर की कृपा हो जाए तो भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है बिना भगवान की कृपा के कथा श्रवण कर नहीं सकते बिना भगवान की कृपा के कुंभ का दर्शन कर नहीं सकते बिना पुण्यों के पूंजी के हम तीर्थराज प्रयाग और संत महापुरुषों का दर्शन गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का स्नान वेणी माधव अक्षयवट इत्यादि का दर्शन नहीं कर सकते ये सब मेरी कृपा है तो सब परमात्मा की कृपा से ही संभव है करोड़ों करोड़ों लोग 125 करोड़ की आबादी तो भारत की ही है पूरे विश्व के अंदर अरबों खरबों की संख्या है परंतु जिन पर परमात्मा की कृपा होती है वही तीर्थराज प्रयाग में आकर के यहाँ कल्पवास कर रहे हैं स्नान कर रहे हैं दान कर रहे हैं पुण्य कर रहे हैं धर्म कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं अनुष्ठान कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं तो इसलिए आप सब बड़भागी हैं भाग्यशाली हैं इस भयंकर शीत लहर में भी आप एक ऐसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं घरों में इतनी ठंड पड़ जाए तो न जाने कितने कितने साधन अपनाते होंगे परंतु ये भगवान की कृपा है कि हाँ थोड़े से साधनों के अंदर संतोष करके ये किसका प्रभाव है ये भक्ति का प्रभाव है परमात्मा की कृपा का ही प्रभाव है बहुत सुंदर चर्चा आप श्रवण कर रहे थे गोपियों का संवाद उद्धव के साथ हो रहा है
गोपियों का संवाद भगवान कृष्ण के साथ हो रहा है, गोपियों का संवाद आपस में भी हो रहा है, एक दूसरे को गोपियां कह रही हैं, एक दूसरे से कृष्ण की चर्चा करती हैं। यहां जितना संवाद आएगा उसके केंद्र में केवल 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 कोई है तो श्री कृष्ण है। कौन है? श्री कृष्ण है। गोपी उद्धव संवाद है तो कृष्ण की चर्चा है, भगवान के साथ संवाद है तो कृष्ण की चर्चा है, और आपस में भी चर्चा करती हैं तो कृष्ण की चर्चा करती हैं। इसलिए उनका समस्त जीवन कृष्णमय हो गया है, कृष्णमय हो गया है, परमात्मामय हो गया है। जिस जिसका हम चिंतन करते हैं वैसा वैसा चिंतन हमारा बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमारे यहां कहा गया सार्थक चिंतन करने से हमारे जीवन की सार्थकता है, निरर्थक चिंतन करने से हमारे जीवन में निरर्थकता आती है, अर्थात बेकारपना आ जाता है। इंग्लिश में कहावत है पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट ए पॉजिटिव रिजल्ट एंड नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट ए नेगेटिव रिजल्ट। सकारात्मक सोच सकारात्मक पहल करती है, सकारात्मक सोच सकारात्मक फल देती है, नकारात्मक सोच जो है नकारात्मक फल को देती है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर कभी नकारात्मक सोचना नहीं, सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव कभी नहीं सोचना। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? गोपियों का जीवन पॉजिटिव है, वो विरह में भी रहती तो कृष्ण को याद करती हैं और ब्रज में रहती तो कृष्ण को याद करती हैं, किसी से चर्चा करती हैं तो कृष्ण को याद करती हैं। तो इसलिए गोपियों ने उद्धव से कहा उद्धव तुम भय बोरे पातीली आए दोरे, योग कहाँ राखियां तो रोम रोम श्याम है, अर्थात मेरे तो रोम रोम के अंदर कृष्ण बसते हैं, कृष्ण बसते हैं, कृष्ण बसते हैं। ये उनकी सकारात्मक पहल थी, सकारात्मक सोच थी, पॉजिटिव थिंकिंग थी। तो इसलिए हमें गोपी और संवाद से मिलता क्या है, अर्थात जितनी कथाओं को हम श्रवण करते हैं, जितने ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, जितने पुराणों की हम चर्चा करते हैं, उस चर्चा के पीछे का क्या रहस्य होता है कि हम 2 घंटे 3 घंटा कथा सुन लिया, टाइम पास कर लिया या समय पास कर लिया कि कुंभ में ठंड में कहीं बाहर जा नहीं सकते तो एक अच्छे पंडाल में बैठ गए और वहाँ इकट्ठे बैठेंगे तो ठंडी कम लगेगा, टाइम पास हो जाएगा। अगर ये हमारी सोच बनी हुई तो ये नकारात्मक सोच है, इसको नेगेटिव थिंकिंग कहेंगे, इसका नेगेटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है। अगर हम यहां बैठकर एक चिंतन करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग किसको कहते हैं, सकारात्मक सोच किसको कहते हैं, ये परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, किसके लिए दिया है? केवल केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में स्पष्ट कर दिया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जहीं परलोक सवारा। साधनों का धाम, मुक्ति का दरवाजा, मानव का ये शरीर हमें परमात्मा के हित की कृपा से प्राप्त हो गया, और इस शरीर को प्राप्त करके हमने अपने इस जीवन को निरर्थक ही गंवा दिया। हीरा सा जन्म था, कोड़ी बदले जाए, जन्म तो हीरा मिला था, पूंजी तो बहुत बड़ी मिली थी, परंतु उसको हमने व्यर्थ में ही खो दिया। अर्थात गोपियों का चिंतन यह रहता है, वो खाती हैं तो कृष्ण को देखती हैं, खिलाती हैं तो कृष्ण को देखती हैं, जागती हैं तो कृष्ण को देखती हैं, और सोती हैं तो कृष्ण को देखती हैं, उठती हैं तो कृष्ण को देखती हैं, चलती हैं तो कृष्ण को देखती हैं, बोलती हैं तो कृष्ण को बोलती हैं, सुनती हैं तो कृष्ण को बोलती हैं, और अगर झगड़ा भी करती तो कृष्ण के लिए करती कि कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है, और यही बात कहती है श्री कृष्ण शरणम मम। यही भाव उनके जीवन की प्रत्येक क्रिया, गोपियों के जीवन की प्रत्येक क्रिया ही कृष्णमय हो गई है।
इसलिए गोपियां दावे के साथ कह देती हैं, उधो मन ना भय दस बीस, एक हुतो सो गए श्याम संको आराधे ईश। उधो मन तो एक था और वो मन हमने कृष्ण को दे दिया है, दूसरा मन है नहीं, किसी और का चिंतन कैसे करें। जिस ब्रह्म की तुम चर्चा करते हो, किसी योग की तुम चर्चा करते, किसी और साधन की तुम हमको बता रहे हो, हमारा मन तो एक था और वो एक मन था तो वो हम कृष्ण को दे बैठी है, अब तेरी चर्चा सुनने के लिए दूसरा मन हम कहां से लावें। ना तो भगवान ने हमको दूसरा मन दिया है और ना हम दूसरे मन को चाहती है, हमारा मन तो कृष्ण को चाहता है और हमारा मन तो कृष्ण के लिए था और उसने वो चुरा लिया है, वो उसने ले लिया है, वो तो मन हम कृष्ण को दे बैठी हैं, अब तेरी चर्चा के लिए दूसरा मन कहां से लावे। उधो तुम भय बोरे पाती लिए आए दोरे, योग कहां रखे हैं तो राम राम श्याम है। उधो तुम शायद पगला गए हो, लगता था गोपियों के हाव हाव से कि लोग कहते थे कि गोपियां पगला गई हैं, लोगों को लगता था, लोग कहें मीरा भई बांवरी, लोग कहते थे मीरा पागल हो गई है, परंतु मीरा पागल नहीं हो गई थी, मीरा ने तो गल को पा लिया था, उस बात को प्राप्त कर लिया था जिसके लिए उसको मनुष्य का शरीर मिला था, मीरा ने तो उस तत्व को ग्रहण कर लिया था, मीरा ने तो उस प्राप्ति को कर लिया था जिसके लिए संसार के लोग प्राप्त नहीं कर सकते। सदग्रस्त में रहते हुए महलन तल चल दी, वो मीरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ऐसे नहीं नाची थी क्योंकि लोक लाज छोड़कर। अब तो उसने क्या किया, लोग कहें ये तो पागल हो गई है, ये तो गली गली नाचती है, ये गली गली तो गाती है, परंतु मीरा कहती थी मैं जिधर देखती हूँ उधर श्याम मई है, मैं जिधर देखती हूँ मेरा कृष्ण ही मुझे नजर आता है, इसलिए गली में नाचती हूँ, कूचों में नाचती हूँ, घर में नाचती हूँ, महलों में नाचती हूँ। ये भाव बन गया था मीरा, और इसलिए सांप में भी मीरा को कृष्ण दिखलाई पड़ता है, जहर के प्याले में भी वो कृष्ण की मूर्ति को देख लेती हैं। जहर पीने के बाद कोई बच नहीं सकता, सांप के डसने के बाद कोई बच नहीं सकता, मीरा धन्य है जो जहर पीने के बाद भी नाचती थी गलियों के अंदर, सांप के डसने के बाद भी कहती थी वाह मेरा कृष्ण तो सर्प रूप में बन के आ गया है, उस सांप पिटारी में तो कृष्ण मुरारी आ गया था और इस जहर के प्याले में तो मेरे कृष्ण का चरणामृत मुझे बताया गया कि राणा ने तेरे लिए श्री कृष्ण का चरणामृत भेजा है, तो ऐसी भाव दशा के अंदर आकर कौन किसका कुछ बिगाड़ सकता है। ये दशा उच्च दशा है, ये अवस्था ऊंची अवस्था है, जिसको योगियों ने साधन की अवस्था बता दिया, जिसको योगियों ने कहते हैं महाराज ऐसी अवस्था समाधि की अवस्था बता दी। कई कई लोगों के जीवन में रहता है क्या ये गोपियों की समाधि थी या मीरा की समाधि थी, मैं कहता हूं वो समाधि जब लगती है आंखें तो खुली रहती है, वो संसार के अंदर कृष्ण को देखती हैं। और समाधि में भी आंख बंद करके क्या सिखाया जाता है हमें कि आप अपने परमात्मा को देखो, ब्रह्म को देखो, ईश्वर को देखो। अरे महाराज आंख बंद करके तो बहुत से लोग देखेंगे, उनको संसार नजर, आंख बंद करने पर भी संसार नजर आता है और खुली आंखों में भी जिनमें संसार में भगवान नजर आता है वो समाधि बड़ी। गोपियों की समाधि तो जागृत समाधि थी, सोई हुई समाधि नहीं थी गोपियों की। गोपियों की समाधि जागृत समाधि है, चलती फिरती हुई समाधि है, बोलती और हंसती देखती हुई समाधि है, खाती और बोलती हुई समाधि है गोपियों की। तो इसलिए गोपियों को तो महायोगी बता दिया शास्त्रों ने, श्रीमद भागवत ने, वो दशा गोपियों की है। क्या ये दशा हमारी घर में हो सकती? हमने बताया आपको गोपी कान से कृष्ण का नाम सुनती है, आंख से कृष्ण को देखती है, पैर से चलती है तो बोलती कृष्ण का दर्शन करने जा रही हूं, हाथ से माखन बिलोती है तो कृष्ण के लिए बिलो रही हूं, और हाथ से कुछ काम करे गाय का दूध निकाल रही हूं तो कृष्ण के लिए, दही जमा रही हूं तो कृष्ण के लिए, अरे दही को बिलो रही हूं तो कृष्ण के लिए, माखन बना रही हूं तो कृष्ण के लिए, लेकर जाऊंगी तो कृष्ण के लिए, अर्थात जीवन की प्रत्येक क्रियाएं कृष्णमय हो जाए,
कृष्ण के लिए हो जाए, फार भगवान के लिए हो जाए, परमात्मा के लिए हो जाए, तो तुम गोपी बन सकते हो, क्योंकि गोपी की प्रत्येक क्रिया परमात्मा के लिए थी। ऐसी जब ये जीव अपने जीवन की प्रत्येक क्रियाओं को परमात्मा के लिए करना प्रारंभ कर देगा, वो गोपी बन जाएगा, और जब वो गोपी बन जाएगा तो मेरा कृष्ण अवश्य मेरे जीवन में आ जाएगा। अगर जीवन के अंदर कृष्ण प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा उस कृष्ण को याद करना प्रारंभ कर दें। अपने घरों में ऐसे रहें, परंतु हमारी दशा क्या, हम शास्त्र को सुनते हैं, हम यहां बैठ करके हमें तो अच्छा लगता है, जब यहां से हम चले जाते तब हमारी क्या स्थिति होती, तब हमारी मनोदशा क्या होती है, हमारी दशा क्या होती है, हम बदल जाते हैं। क्या कारण है कि ये हमारा सत्संग हमारे अंदर टिक नहीं पाता, क्या कारण है कि हम बार बार वो चिंतन अपना बना नहीं पाते, फिर संसार का चिंतन, वही माया का चिंतन रहता है, वही राग और द्वेष का चिंतन रहता है, वही तेरे और मेरे का चिंतन रहता है, वही लड़ाई और झगड़े का चिंतन रहता है। हम तीर्थों में जाते, मंदिर में जाते, और जो है अपने घरों में जाते, कहीं जाते, हमारा चिंतन बदल जाता, सत्संग मंडप में आकर के चिंतन बदल जाता है। तो आप लोगों के मन में एक शंका होती होगी, आखिर ये दशा जो हम यहां बैठे हुए यहां कथा सुनकर के मेरा मेरी स्थिति का निर्माण हो रहा है, क्या वो स्थिति मेरी जीते जागते चलते फिरते सोते उठते बैठते चलते संसार में रहते घर में रहते परिवार में रहते मकान और दुकान परिवार संसार में रहते हुए क्या वो स्थिति हो सकती है जो मेरी कथा मंडप के अंदर बैठ करके स्थिति कृष्णमय हो सकती है, क्या वो हो सकती है, इस पर चर्चा फिर करूंगा, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, आगे की भी कुछ यहां क्या सूचन दिया है उन्होंने, अभी क्या वो तो चलता रहेगा, परंतु हमें और भी लोग कार्य हैं, मैं इतना ही कह करके इस बाकी की जो एक चिंतन है उसको फिर मैं बताऊंगा कि क्या हम घर में रहते हुए परिवार में रहते हुए संसार में रहते हुए मकान और दुकान में रहते हुए इस प्रकार का चिंतन जो मेरा सत्संग में बना रहता है क्या तब भी बना रहता है, इस पर चर्चा फिर समय मिलेगा। अब तो यहाँ निरंतरम तुम लोग तो आते जाते रहोगे, हम तो यहाँ 19 फरवरी तक रहने वाले हैं, हम तो रोज चर्चा करेंगे मिलेंगे, तो इसलिए आए सब मिल करके। आज कुछ महाराष्ट्र का एक चित्रण यहाँ पर हो रहा है, ये सब मन की स्थिति को ठीक करने के लिए होता है। और प्रतिदिन यहाँ कथा तो सायंकाल को 3 बजे से होती है, अच्छा 3 बजे से कथा सायंकाल को और सुबह भी होती है, आजकल 16 तारीख तक तो सुबह में भी है, और कल की कथा फिर हमने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 10 दिन की कथा रखी थी जनार्दन जी की। 10 दिन में 2 दिन मुझे मालूम था ये 13 और 15 तारीख को कथा नहीं कर पाएंगे, मैंने इसलिए इतना लंबा गैप रखा था। सबसे लॉन्ग पीरियड जनार्दन जी महाराज की कथा का 10 दिन का, बाकी तो सबका 8-8 दिन है। तो मुझे मालूम था 2 दिन ये स्नान में जाएंगे, 1 दिन प्रवेश में जाएंगे, शोभा यात्रा नगर यात्रा में जाएंगे, कथा इनकी 8 ही दिन हुई, 4-8 दिन का ही मिलने वाला है। 2 दिन हमारे अशोक पारिक जी कल शाम को भी वो कथा करेंगे, तो आप सब लोग समय से आए। और तीर्थों में जाने पर हमें सत्संग अवश्य श्रवण करना चाहिए, थोड़ी देर एकांत में बैठना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है 3 चीजों का ध्यान करें सत्संग सुनने वाले, 3 चीजों का ध्यान करें साधना करने वाले, 3 चीजों का ध्यान करें अनुष्ठान करने वाले, 3 चीजों का ध्यान करें जप करने वाले, 3 चीजों का ध्यान करें समस्त लोग भी। वो कौन सी, कम खाना, क्या करना, कम खाना। अब मुझे तो मालूम नहीं कम खाते हो कि ज्यादा, मैं तो ना तो उस रसोई का खाता हूं ना इस रसोई में खाता हूं। कम खाना,
दूसरा गम खाना, तीसरा कम सोना। क्या बातें तीन करोगे बोलो ना। कम खाने पर तो समझौता शायद तुम्हारा नहीं हो सकता। कम खाना, गम खाना, कम सोना। कम खाएंगे शरीर ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा तो भजन ज्यादा होगा। गम खाने का मतलब होता है पेशेंस रखना। क्या रखना? देखो पेशेंस और डिस्टेंस दो चीजें रखा करो जीवन में। पेशेंस रखना और बुरे लोगों से डिस्टेंस रखना। पेशेंस और डिस्टेंस दोनों जब बना करके रखोगे तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। कम खाएंगे स्वस्थ रहेंगे, अर्थात पेशेंस रखेंगे तो मन की शांति मिलेगी, समझ लो बात को। और कम सोएंगे तो जीवन लंबा चलेगा। तीन बातें ध्यान रख लो। कम खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा, पेशेंस रखने से, गम खाने से आत्म संतुष्टि मिलेगी और कम सोने से जीवन लंबा चलेगा। स्वस्थ रहना चाहता हर आदमी, संतुष्टि चाहता है, सुख चाहता है और लंबा जीना भी चाहता है। अच्छा कौन जल्दी मरना चाहता है? 100 साल के बूढ़े से पूछो जल्दी मरना, बोला अभी 100 साल और जी जाऊं तो अच्छी बात है। अच्छा बस गाजर का हलवा बना तो कहते सांप का भी आ जाए दोपहर को खा ले तो और अच्छी बात है। मुझे मिला नहीं है, आखिर पता लगा है। तो कम खाओ, गम खाओ, कम सोवो। कम खाओ, यहां वैसे भंडारा भरपूर है, तुम जितना मर्जी खाओ चिंता नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं। कम खाना, गम खाना, कम सोना। कम खाने से शरीर ठीक रहता है, गम खाने से मन ठीक रहता है और कम सोने से जीवन ठीक रहता है। तीनों तरह से आपके तीन लाभ है और तीन ही तो यहां त्रिवेणी तो है ना, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। तीन का महत्व चलता रहेगा। आए भाव के साथ उस परमात्मा की भक्ति में लीन रहे। जब भी समय लें जप करना चाहिए, अधिक से अधिक जप करना चाहिए। निंदा चुगली तीर्थों में नहीं करनी चाहिए किसी की। बुराई मत करो, निंदा मत करो, एक दूसरे की कमी मत निकालो। यहां तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाता है। दूसरे की निंदा करोगे, दूसरे की चुगली करोगे, दूसरे की कमी निकालोगे तो तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा, अर्थात तुम्हारा पुण्य समाप्त होता है, खत्म होता है। और गम खाओगे, कम खाओगे, कम सोवोगे, दूसरे की निंदा नहीं करोगे, चुगली नहीं करोगे, धैर्य धारण करोगे, तुम्हारा पुण्य बढ़ता है। तो जिसका पुण्य बढ़ता है वो पुण्यात्मा होता है और जिसका पाप बढ़ता है वो पापात्मा होता है। ऑन डिपेंड यू, आप पुण्यात्मा बनना चाहते हो या पापात्मा बनना चाहते हो, ये निर्धारण आप स्वयं कर सकते हैं अपने जीवन के बारे में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, धीरे बोलो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में हो, विश्व का कल्याण हो, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी माधव की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। कल जिन लोगों को महामंडलेश्वर जी के साथ स्नान करने जाना हो तो आप लोग 12 बजे यहां भोजन प्रसाद ले लेना और फिर जो है यही स्वामी जी भी जाएंगे स्नान को। तो आपका समय है 12 बजे, 12:30 बजे यहां से निकल जाओ। कल भोजन प्रसाद वाले थोड़ा जल्दी तैयार कर देंगे ताकि 12 बजे भोजन प्रसाद हो जावे और 1 बजे तक आप निकल लो यहां से। ज्यादा से ज्यादा लेट करो तो 1 बजे तक,
अपने 1:15 बजे 1:30 बजे तक अपने अखाड़े में पहुंच जाओ, और वहां से फिर आप बैंड बाजे जुलूस के साथ शाही स्नान के लिए मंडलेश्वर जी के साथ सारे लोग साथ में जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो त्रिवेणी में आपको शाही स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा, स्नान कर सकेंगे। पर मैं तो 3:00 बजे जाने वाला हूँ, तो मेरे साथ तो तुम जा नहीं सकते, इसलिए क्योंकि मैं तो फिर अनुष्ठान में बैठता हूँ, तो हम तो 2:30 बजे उठ जाएंगे रात को, 3 बजे तुम स्नान करने हम तो कर ही आएंगे, पर बाकी तुम लोग जो है ना अपने हिसाब से, मैं तो अंधेरे अंधेरे में जाऊंगा करके आ जाऊंगा, इसलिए आप लोग जो है कल दोपहर को 12:30-1 बजे तक तो हर हालत में यहाँ से अखाड़े की ओर प्रस्थान कर देना, निर्मल अखाड़े में जहाँ आज गए थे। स्वामी जी आप अपनी मंडली के साथ जिन लोगों को स्नान करना हो तो जनार्दन हरि जी महाराज के साथ मंडलेश्वर जी के साथ आप शाही स्नान कर सकते हैं, ऐसा रहेगा स्नान का, आपका दोपहर का स्नान है। वैसे तो अखाड़े स्नान करना लग जाएंगे सुबह 5:15 बजे से पहली सवारी निकलेगी, 6:15 स्नान करेंगे, फिर दूसरे 7:15 करेंगे, तीसरे 7:15 करेंगे, फिर कोई 9:40 पे करेगा, फिर 10:40 पे करेगा, फिर 11:40 पे करेगा, 12:40 पे करेगा, फिर 1:40 पे करेगा, फिर 2:40 पे करेगा, चलेगा। तो 2:40 वाला है आपका जी, इसलिए सब याद है हमको, लिखा पढ़ी तो करी नहीं हमने। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए महाराज का हम आनंद लेते हैं अगले 15-20 मिनट के लिए पूरे पूरे भाव से। श्याम मुरलीधर तेरो नाम हो, गिरिधारी बाके बिहारी सबका तू पालन हार, हार काली बजाते हैं।